आश्रम पद्धति लेक्चर फिजिक्स जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का विज्ञापन जारी किया गया है उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो जो लोग लेक्चरर फिजिक्स के लिए फॉर्म डाल रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। एक वीडियो हमने और भी बनाया हुआ है जो कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, क्वेश्चन पेपर का प्रारूप क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आता है, वो सब सारी चीज़ें ऑथेंटिक फॉर्म में हमने बना दी हैं। वो ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि हमने खुद इसका एग्ज़ाम दिया था और वहीं से हमने सारा क्वेश्चन लिया है। आप चाहें तो उसका PDF भी हमसे मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा बातें करते हैं ना हुए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, 31वां क्वेश्चन आपको लग रहा होगा लेकिन 31वां क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक्चुअल में दो पार्ट्स में आता है। पार्ट फर्स्ट होता है, पार्ट टू होता है। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में 30 क्वेश्चन होता है, वो जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन से जुड़ा होता है, और पार्ट टू में जो होता है वो आपका 31 से लेकर के 150 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन जो कि कोर फिजिक्स से पूछा जाता है। तो 31वां क्वेश्चन फिजिक्स से स्टार्ट होता है। ऊपर देखिए पार्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पार्ट यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसका मतलब पार्ट बी या पार्ट टू फिजिक्स। तो यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। पहला क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर, द लेंथ ऑफ वायर एंड द सस्पेंडेड मास आर डबल, द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर। इसमें यंग मॉडुलस का जब फार्मूला लगाएंगे तो इसमें आपका ऑप्शन डी रिमेन अनचेंज वाला ऑप्शन आएगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन डी सही है। 32वां क्वेश्चन, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर टू वेक्टर, तो ऑप्शन है द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ ज़ीरो, ए एंड बी बोथ आर नल वेक्टर, नाइदर ए एंड बी नल वेक्टर, ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में जो आधिकारिक क्वेश्चन सेट है उसमें इसको क्रॉस दिखाया है यानी कि इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी सही है क्योंकि ए क्रॉस बी जब कोई वेक्टर होता है तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 33वां क्वेश्चन आ रहा होगा, एट रिलेटिविस्टिक स्पीड द लॉ वैलिड इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि ऑल ऑफ द एवब सही होगा, लेकिन ऑल ऑफ द एवब नहीं सही है, इसमें है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। तो इसमें जो 33 का है इसमें ऑप्शन ए सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 34 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का आ रहा है, इसमें देखिए क्या है, इफ़ द रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0.5 MeV, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.6C to 8.62। अगर ये होगा तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। ये हम ऑप्शन बता दे रहे हैं, आप इसके लिए कोई भी रिलेटिविस्टिक की बुक चाहे बाइजर की बुक से देख लीजिए, वहाँ से उसका फार्मूला होगा एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, उस पर जब जाएंगे तो उस फार्मूले का यहाँ अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा। अगर आपके पास बाइजर की बुक नहीं है तो आप हमको हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको बाइजर की बुक का PDF सेंड कर देंगे। 9981883949, इस पर आप हमको कॉन्टेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए, हम आपको सारा PDF और सारा बुक का PDF भेज देंगे। 35 है, ए रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द काइनेटिक एनर्जी इज क्या हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शन सी सही है, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। 36, वी हैव टू स्फीयर ऑफ सेम मास, वन ऑफ विच इज स्फेरिकल सेल एंड अनदर इज सॉलिड, दे हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर, द रेशियो ऑफ द रेडियाई इज गिवेन बाई
तो इसमें ऑप्शन आपका 36 में सी सही हो रहा है। ये कहाँ से करेंगे, ट्वेल्थ की कोई भी बुक ले लीजिए, वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला दिया हुआ है, आप उससे कर सकते हैं, या तो हमारे चैनल पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर सब सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। टू इक्वल ड्रॉप ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विद द स्टडी वेलोसिटी, इफ़ द ड्रॉप कोलैप्स इन वन विच विल बी न्यू वेलोसिटी। ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सीधा टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है, जो कि उत्तर प्रदेश की जो इंटरमीडिएट की फिजिक्स की बुक आती है उसमें ये फार्मूला बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो 27 का ये होगा, 37 का। 38, व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव टू फास्ट दैट द लेंथ ही मेजर इज रिड्यूस टू हाफ इट्स टाइम इंटरवल मेजरमेंट। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38 का सी है, बिकम ट्वाइस हो जाएगा। लेंथ वाला फार्मूला आप लगा देंगे तो ये आएगा। लेंथ वाला फार्मूला क्या होता है, एल डैश स्क्वायर टू एल नाट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस फार्मूले को लगा देंगे तो आपको ये आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट आता है, बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है, बस आप एक बार फार्मूला देखे रहेंगे तब होगा। इसके लिए आप ट्वेल्थ वाली जो बुक आती है, चित्रा की बुक गाइड आती है, उसको जरूर देख लीजिए, गाइड जरूर पढ़ लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। या कुमार मित्तल की बुक पढ़ लीजिए, कुमार मित्तल की बुक बहुत चौड़ी और मोटी हो जाएगी, आप क्या कीजिए चित्रा की गाइड पढ़ लीजिए। हमारे पास चित्रा की गाइड है, अगर आपको PDF चाहिए होगा तो फिर हम बोल दे रहे हैं आपको बार बार, 9918813949 पर हमको संपर्क करें। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी थ्रू वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इफ बॉडी इज थ्रो एट 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, द एस्केप वेलोसिटी विल बी। तो ये चित्रा की सेकेंड चैप्टर से 11th की बुक है, उससे आपको मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका 39 में डी ऑप्शन सही है, 11.2 किलोमीटर होता है इसके वेलोसिटी। 40 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इफ़ द अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि सिकुड़ जाए टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास एंड इट्स शेप, द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंस्टेड ऑफ 24 आवर सेल बी। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको एकदम से इसी फॉर्म में याद कर लीजिए। तो ऑप्शन डी सही है, 6 आवर, इसको याद कर लीजिए, हमने भी इसको याद कर लिया था इसलिए हमने डी पर टिक लगाया है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, 41 क्वेश्चन मैथमेटिकल है, इफ एल नॉट क्यू इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, द वॉल्यूम व्यू फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी इन द डायरेक्शन पैरेलल टू एन एज ऑफ द क्यूब, तब क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 41 का है तो सी सही होगा। देखिए हमने सी पर ऑप्शन टिक भी लगाया है, तो एल नॉट क्यू वन माइनस वी स्क्वायर, अभी ऊपर जो फार्मूला रखे थे बस उसी को आप क्यूब कर दीजिए, ठीक है क्यूब कर दीजिए। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में ये लगेगा, यहाँ पर पूछ रहा है सिंगल डायरेक्शन में है, तो ये जो फैक्टर होगा गामा फैक्टर होगा सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में लग रहा है। आपको क्लू देते जा रहे हैं, हमारी लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा हम इसको डिस्कस यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो 2-3 घंटे का बन जाएगा, हम उतना बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपको ये सब सारी चीज़ें बहुत एकदम हलवा टाइप की दिखेंगी दोस्तों, एकदम ये हलवा ही है, आप बिल्कुल भी टेंशन में लीजिए, हलवा की तरह इसको पढ़िए, आपका आप पक्का लेक्चरर बन जाएंगे और बहुत ही हाई क्लास के लेक्चरर बनेंगे। 42, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास आर मूविंग विथ इक्वल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर सेंटीमीटर फोर्स विल बी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, R2/R1, सेंटीमीटर फोर्स वाला फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। सेंटीमीटर फोर्स वाला फार्मूला क्या होता है, F² MV² / R, ये इसका फार्मूला होता है, MV² / R होता है, ठीक है ये इसका फार्मूला होता है सेंटीपीटर फोर्स का। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R2, तो F1/F2 क्या हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा, सीधा सीधा है। 43, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर मोमेंटम L, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन ऑफ द
पार्टिकल इज डबल एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाल्व, यानी हाफ हो जाती है। द एंगुलर मोमेंटम विल बी 2L, 4L, L बाई 2, L बाई 4। तो इसमें जो 43 है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, L बाई 4। द कैपिलरी राइज ऑफ 20 सेंटीग्रेड इन क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, तो कितना होगा, 44 का ऑप्शन डी सही है, 30 mm, 30 mm मिलीमीटर। 45 क्वेश्चन आ रहा होगा, ए स्मॉल सॉलिड स्फीयर व्हेन ड्रॉप इन ए विस्कस लिक्विड फाइनली मूव विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड विच इज़ नोन एज, इसको क्या बोलते हैं 45 को, क्रिटिकल टर्मिनल वेलोसिटी। 46 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बार बार ये इसी फॉर्म में आ जाता है। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज गिवन बाय -1 to 1/2 होता है, ठीक, -1 to 1/2 होता है। 47 आपको भी पता होगा, जब हम बोल रहे होंगे तो आप भी अपने मन में बोल रहे होंगे, इफ़ द रिलेशन बिटवीन टू नॉन जीरो वैक्टर ए एंड बी विल 1+a, तो इसका जानते हैं आंसर, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते ही हैं, ऑप्शन बी सही है, 90 डिग्री। बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, आपको बता रहे हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, इस वीडियो को फुल देखिए, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। बहुत सा क्वेश्चन तो इसी में से आपका, हमको लग रहा है 60% क्वेश्चन इसी से फंस जाएगा। 48 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इफ़ ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर हैज एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट द सेंटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल बी, कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर 2mr² हो जाता है। सीधा ये एनर्जी का फार्मूला है, क्वांटम मैकेनिक्स का है, नूरुद्दीन जेटली की बुक से। ए कार्नोट इंजन हैज़ द सेम एफिशिएंसी बिटवीन सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, इतना इतना दिया गया है, तो देन वैल्यू ऑफ एक्स पूछा गया है। आप ब्रिजलबार्सम की हीट एंड थर्मोडाइनमिक या स्टैटिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडाइनमिक उसको पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन जो होगा 49 का, ये ऑप्शन डी आपका कैलकुलेट होगा, हमने इसको कैलकुलेट किया था, देखिए ऊपर यहाँ पर कहीं पर हमने कैलकुलेट जरूर किया है इसको। 50वां क्वेश्चन, एट 50वां का मतलब अभी आप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो दिख रहा है आपको कि 50वां क्वेश्चन 50वां नहीं है, अभी तो 120 क्वेश्चन है इसका है, तो 20 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 100 क्वेश्चन बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। एट टी के पार्टिकल ऑफ मास टी, टेम्परेचर टी है, के केल्विन है, ऑफ मास गैस ओबे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज गिवेन बाई, तो 50वां का ऑप्शन ये सही है, √8π kT/mπ, ठीक, 2 kT/mπ या 3 kT/mπ इस पर मन लगा दीजिएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी और आपका एवरेज वेलोसिटी, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VP, ये VRMS, VP और मोस्ट प्रोबेबल या मीन वैल्यू, ये सब आपकी अलग अलग हैं तीनों, इसका फार्मूला आप सीधा वहाँ ब्रिजलाल की बुक है, कोई भी ब्रिजलाल की बुक ले लीजिए, सबसे अच्छी उसकी थर्मोडायनेमिक स्टैटिकल मैकेनिक्स मोटी से आती है, उससे आप कर लीजिए, उसका भी हम वीडियो बना देंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, हम आपको लेक्चरर बना के मानेंगे। द मैक्सिमम पॉसिबल इफिशेंसी ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 400 सेंटीग्रेड एंड 100 सेंटीग्रेड, इसका बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, 91वां क्वेश्चन बिजलाल की बुक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही आएगा, 44.6। 52 द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ द गैस, देखिए ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, √T, ऑप्शन बी सही है। 53 एज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेज द वेवलेंथ ऑफ एनर्जी रेडिएट डिक्रीजेज द लॉ ऑफ कॉल द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सीधा वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो 53 का विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है। स्टीफन बोल्टमैन क्या है, ई इज सिग्मा (10^4) होता है, स्टीफन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, जो किसी बॉडी का टेम्परेचर जो कम होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग और बॉडी के बीच के प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, d θ/dt इज प्रोपोर्शनल टू θ1 - θ2 होता है, ठीक है।
54 द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड अपॉन द, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ बोथ सोर्स एंड सिंक, बस उसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप फार्मूला देखे होंगे ईटा इसका टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन होता है। 55 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सवेल थर्मोडाइनमिक रिलेशन, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, हमने बी पर टिक किया था, टी वी अपॉन डी वी इसका टू डेबा पी अपॉन डेबा एस। 56 आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। 56 द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी एन फ्रीक्वेंसी वी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहाँ से आया है, न्यूज़ीलैंड जेटली से, तो 56 का सही है, सी सही है। एच न्यू डिवाइडेड बाई ये क्या होता है, एवरेज वेलासिटी एक्सपोनेंशियल के टर्म में जब इसको कर देते हैं, तो ये बोसान का ये टर्म आ रहा है सी वाले में माइनस वन। 57 क्या है, इसमें ऑप्शन आपका बी सही दिख रहा है, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन टी आई ऑफ द गैस इज 2 ARB होता है, कहाँ से आया है, ब्रिजलारन सुब्रमण्यम की बुक से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इसको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, आप लेक्चरर बन के रहेंगे याद करने से, समझना भी नहीं है। देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं तो आपका करीब 70% से ज़्यादा हो जाएगा और आप लेक्चरर बन जाएंगे। गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर स्टेटमेंट ऑफ क्या, किरचॉफ लॉ था ये सभी को पता होगा, प्रोस्ट लॉ स्टीफन लॉ विंस लॉ नहीं था। 59 क्वेश्चन, तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन का एग्जांपल है 58 59 क्या है, ए 50 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट वॉल्यूम बाय एडिंग 150 कैलोरीज ऑफ हीट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर विल बी, इसमें ऑप्शन क्या 59 का सही हो जा रहा है, डी ऑप्शन सही है, हमारा ये गलत हो गया था, 10 कैलोरी पर ग्राम। अब देखिए इस पर आप ये दो क्वेश्चन का कंपैरिजन आपको दिखाते हैं, 58 और 59 देखें, 58 क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन है, 59 इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, 59 अगर आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका समय लगने वाला है, जबकि 58 सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका समय नहीं लगेगा, तो ये स्पीडी क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अगर नहीं आता है वहाँ पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अगर समय व्यर्थ करने के चक्कर में रह जाएंगे तो आपका समय लॉस हो जाएगा। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, हमने लोक सेवा आयोग का 4 बार एग्ज़ाम क्रैक किया है और आज भी हम गस्टेड अफसर हैं। 60 द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 kmol ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी, तो 60वें का ऑप्शन सी सही है, 3.72 × 10⁶ जे अब्लिक के मोल, ऑप्शन सी सही है। 61 का क्या है, द नॉर्मल टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट नॉर्मल प्रेशर, इतना दिया गया है, ये पास्कल दिया गया, 1. ये पास्कल की वैल्यू होती है, 1 पास्कल की वैल्यू होती है 1.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का फार्मूला है। द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज रिड्यूस बाई 2.4 × 10⁴ मीटर क्यू, द एक्सटर्नल वर्क डन विल बी, कितना हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 24 जूल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, सीधा इन दोनों का आप सबसे गुणा कर देना है, इस फैक्टर को जो दिया गया 1.25 और 2.4 इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका 24 जूल आ जाएगा। 62 द स्टार रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ इतना रिस्पेक्ट टू द रेशियो ऑफ केल्विन टेम्परेचर, वेवलेंथ दिया गया है और टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, बस इसी फार्मूले को लगाइए आ जाएगा। इसमें देखिए इसका इससे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 63 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर सुपरइम्पोज, बोथ हैव द सेम एम्पलीट्यूड फेज फ्रीक्वेंसी, द रिजल्टेंट मोशन इज क्या होगा, सर्कुलर एलिप्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा 45 डिग्री बनाते हुए, या ये पैराबोला होगा, तो जो 63 का है वो ऑप्शन सी सही है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस होगा। 64 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन SHM का दिया गया है, तो इसमें कौन होगा, ये देखिए के एक्स प्लस ओमेगा टी है, के एक्स प्लस ओमेगा टी है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका 64 में सी सही है,
बस इसी साइन से ही आपको पता चल जाएगा। 65 है द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द स्टेट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक्सीलरेशन वहाँ पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है और एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी जीरो टू मैक्सिमम जाने का कोशिश करता है, इसलिए वहाँ पर एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होता है। तो 65 का पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही है। 66 ए आर्गन पाइप ओपनड एट बोथ एंड एंड अनदर पाइप क्लोज एट वन एंड विल रिजोनेंट विथ ई सजर इफ देयर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा, 66 का सी ऑप्शन सही है, 2:1 में होगा तब जाके अच्छे से रिजोनेंस होगा। 67 इफ द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ऑसिलेटर इज लार्ज इज इम्प्लाइज डैम्पिंग इज लो। जो क्वालिटी फैक्टर लार्ज होता है, ओमेगा टाउ इसका 2:1 इस फार्मूले पर, डैम्पिंग फैक्टर का फार्मूला है, ठीक है, तो डैम्पिंग लो होगा। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो कौन सा इसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, तो इसमें लिखा था फोर्स ऑन द ऑसिलेटर डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर, द फोर्स ऑन ऑसिलेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज मिनिमम एट द मीन एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पॉइंट। तो देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर जब भी ट्रीट किया जाता है फोर्स के टर्म में नहीं, एनर्जी के ट्रीट में के टर्म में किया जाता है, तो इसमें सी और डी ही सही होगा। ससुरा बड़ा घुमा के पूछा है, सी और डी सही होगा, में ही कोई सही होगा, बाकी दोनों ऊपर वाला ऑप्शन फोर्स का दिया है, तब इसमें ऑप्शन डी सही होगा। 68 का ऑप्शन डी सही है। 69 ए पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन व्हेन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। ये देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में दिया गया है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और आपकी जो जेसी उपाध्याय की बुक आती है मैकेनिक्स की, उसमें ये दिया गया है, 12th लेवल की जो बुक आती है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन था, 69 था, ये ऑप्शन बी सही है, 69 का ऑप्शन बी सही है, हमारा गलत हो गया था, ईमानदारी से बता रहे हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन जेसी उपाध्याय की बुक जो आती है मैकेनिक्स की, वो बहुत अच्छी बुक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाई, इतना आपका इक्वेशन दिया गया है डायरेक्ट, इसमें ऑप्शन ए सही है, 70 का ऑप्शन ए सही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जेसी उपाध्याय की बुक पढ़िए, नहीं है तो पीडीएफ हमसे मंगाइए। 71 डिफरेंट कलर एंड एग्जिबिटेड बाई वाइट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम थीन फिल्म बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, सभी को पता होगा, आपको तुरंत इसका आंसर पता है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। द वैल्यू ऑफ ऑप्टिक्स एंगल ऑफ द बैपरीज इन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 179 होता है, कैसे, ये फ्रेजनल बैपरिज्म का पढ़िए, बीबी श्रीवास्तव की बुक से, साथ बीबी श्रीवास्तव है, बीबी माथुर की बुक थी, और दूसरा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, विजयनारायण सुब्रमण्यम की जो ऑप्टिक्स की बुक आती है उससे भी पढ़ सकते हैं। द ब्रिस्टल एंगल फॉर द गैस स्लैब, इतना इतना दिया गया है तो कितना होगा, 48.40, ऑप्शन सी सही है, ब्रिस्टल एंगल वाले फार्मूले में रख के जब कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे तो ये आएगा, थोड़ा सा टीडीएस सही है। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन बाई हाइजीन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को आप नहीं बता सकते हैं, जबकि रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन को तो खुद हाइगेंस ने ही प्रूफ किया था। 75वां क्वेश्चन इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ निकोल प्रिज्म नो वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज ऑब्जर्व, घुमाने पर कुछ भी उसमें इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं मिल रहा था, द इंसिडेंस लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा, ठीक है, तो इसमें 75 में ऑप्शन सी सही है, प्लेन एलिप्टिकल या मिक्सर ऑफ अनपोलराइज्ड तो प्लेन पोलराइज होगा, तो उसमें जब वेरिएशन करेंगे घुमाएंगे एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो लाइट हल्की सी डीम या तेज होती है। 76 ए रे ऑफ लाइट कैन सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन इट गोज़ फ्रॉम
ग्लास टू एयर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाता है तब। तो एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, एयर और एयर रेयरर है, वाटर डेंसर है, वाटर डेंसर रेयरर है, ग्लास मोर डेंसर है, एयर टू ग्लास, एयर रेयरर है, ग्लास मोर डेंसर है। इसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जाने पर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होती है। लेज़र इज़ ए डिवाइस टू प्रोड्यूस अल्फा रे, बीटा रे, बीम ऑफ वाइट लाइट, कोहरेंट लाइट। तो अल्फा रे, बीटा रे ये सब कुछ नहीं करता है, वो जब भी करता है कोहरेंट लाइट देता है। 78 व्हेन ए नैरो पिन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए सोडियम सोर्स द फ्रिंज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन आर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन ओनली। 78 क्या क्या है इसमें, बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये वाला आंसर सही है। 79 का क्या है, ए प्लेन वेव वेवलेंथ, इसको हम लोग जाने देते हैं। इसका ऑप्शन 79 का ऑप्शन ए सही है, 79 का ऑप्शन ए सही है। आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिए, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। 312.5 × 10⁻³ सेंटीमीटर। फिर से एक न्यूमेरिकल ही आ गया, ए डबल रिफ्लेक्टिंग प्लेन इज रिक्वायर टू इंट्रोड्यूस ए फेज डिफरेंस इतना बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज लैम्डा 5.890 म्यू 1.5 म्यू ई, म्यू वो जीरो नहीं है, नॉट नहीं है, ऑर्डिनरी लाइट के लिए है, और म्यू ई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट के लिए। द थिकनेस ऑफ क्रिस्टल प्लेट वुड बी, तो जो 80 का होगा ऑप्शन बी सही होगा, 1.747 × 10⁻³ सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही है। 81 द वेलासिटी, देखिए हमने ग्रीन से क्रॉस किया है, समझिए हमारा भी गलत है। द वेलासिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन ए सर्टेन लिक्विड द वेलासिटी ऑफ लाइट इज फाउंड टू बी 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कितना हो जाएगा, इसमें 81 हमारा गलत हो गया था, लेकिन आपको हम सही आंसर बताते हैं, ऑप्शन सी सही है, 1.20। अगेन एक न्यूमेरिकल आ गया है, वी आर नॉट इज इंटरेस्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 82 का हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी सही है, 40 सेंटीमीटर। 83 द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन। ये जो लिमिट पढ़ते हैं ये किसी भी 12th की बुक से पढ़ लीजिए, खास उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का ही बुक पढ़ना पड़ेगा। इंडियन मॉडुलस स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपीरियंस द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इतना 6000 एंगस्ट्रॉम इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव रीचेज एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन इज 1.5 माइक्रॉन, देन एट पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा उस समय आपका बनेगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थर्ड डार्क बैंड अकर। 85 क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया है, इसको छोटा कर देते हैं, आपको स्क्रीन पर पूरा दिखता रहे। इफ़ वाइट लाइट इज़ यूज इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द कलर ऑब्जर्व इन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीमेंट्री टू द ऑब्जर्व इन द ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू आउट द सेम पॉइंट, दिस इज ड्यू टू, तो 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, 180 चेंज ऑफ फेस इन वन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। 86 क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपके सामने आ रहा होगा, देखिए उससे आ गया, डिफ्रैक्शन पैटर्न से आ गया, इस ठीक है। द कंडीशन ऑफ मिनिमा ग्रेटिंग से है, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द सिंगल स्लिट ग्रेटिंग का, तो इसमें 86 में ऑप्शन बी सही है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है फार्मूला। 87 द डायमीटर डी एन ऑफ एनथ डार्क न्यूटन्स रिंग इज गिवन बाई, क्या कौन सा फार्मूला इसमें लगता है, 87 में जरा आप बताइए, तो ऑप्शन बी सही है, डी एन स्क्वायर 4 लैम्डा आर एन, ऑप्शन बी सही है। 88 क्वेश्चन द लाइन विड्थ ऑफ लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विल बी कितना हो जाता है, डेल लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, देखिए हमने ये सॉल्व किया है, ये देखिए, तो लैम्डा स्क्वायर डेल न्यू डिवाइडेड बाय सी, ऑप्शन डी सही है। 89 द अनपोलराइज वेव ऑन पासिंग थ्रू ए क्वार्टर वेव प्लेट विल इमर्ज एज
तो इसमें क्या हो जाएगा, अनपोलराइज्ड होगा, प्लेन पोलराइज्ड होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही है, अनपोलराइज्ड। 90 है द एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज, ऑप्शन सी सही है, डी अपॉन 1.22 लैम्डा। 91 है द इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन टू लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन डिक्रीज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन डिक्रीजेज। तो इसमें हम पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन डिक्रीज कर जाएगा। 91 क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा ऑफ सुगर सोल्यूशन इज गिवन बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर वही बोल रहे हैं कि आप ब्रिजलाल और सुब्रमण्यम की बुक पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। 92 में जो ऑप्शन बी सही है, 100 थीटा डिवाइडेड बाई LW, हालांकि आधिकारिक जो क्वेश्चन था आंसर में इसको हटा दिया गया था। ए रूबी लेजर द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन अचीव थ्रू द हेलिकल जीनॉन डिस्चार्ज ट्यूब, इरेडिएशन बाई एलो लाइट, इरेडिएशन बाई इंफ्रारेड। तो इसमें कौन सा होता है, हेलिकल जीनॉन डिस्चार्ज ट्यूब का ही प्रयोग किया जाता है। 93 का जो ऑप्शन है बी सही है, हेलिकल होता है, जीनॉन फ्लैश लैम्प होता है, उसका प्रयोग करते हैं। फिगर में देख लीजिए, हमने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। द लेंस हैज कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडिएशन 20, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जा रहा है, तो हम इस पर ज़्यादा बात ना करके 94 का ऑप्शन बी सही है, 74.1, ये हमारा गलत हो गया था। 95, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस, वो किस पर डिपेंड करता है? तो 95 का ऑप्शन डी सही है, इस कॉन्सेंट एंड इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ स्फीयर, स्फीयर चार्ज के ऊपर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। 96, द फोर्स एक्टिंग ऑफ पर यूनिट एरिया ऑफ चार्ज कंडक्टर, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें 96 का ऑप्शन सी सही है, ये वाला सही है। द एरिया इनक्लोज बाई द हिस्टेरेसिस लूप इज मेजर्ड ऑफ, तो 97 का क्या होता है, ऑप्शन डी सही है, एनर्जी लॉस को कहता है, रिटर्न ड्यूटी हमारा गलत हो गया था। लेंथ ऑफ सिलेंडर, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, अब ये रिटर्न ड्यूटी वाला कहाँ से, KK तिवारी से आप पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ढंग से दिया रहेगा। KK तिवारी की बुक से आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा दिया रहेगा। द लेंथ ऑफ सोलेनाइड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ANL लेंथ L, इट कंटेन N टर्न, इट्स सेल्फ इंडक्शन इज, इसका सेल्फ इंडक्शन पूछा है, तो 98 का ऑप्शन A सही है। कूलम लॉ फॉर फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज मोस्ट क्लोजली रिसेम्बलेंस विथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 99 का ऑप्शन बी सही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कूलम लॉ है काफ़ी एनालॉगस फॉर्म में है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछ चुका है। 100वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शो इन फिगर, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जो पॉइंट ई ए एंड बी के बीच में है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए जो बीच में लगाया गया है व्हीट स्टोन बीच की तरह, ये आपको दिख रहा होगा 7वां से, आप इसको आप जो कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 7वां, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, 10/3 ओम। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको इसमें 3, 2, 5, 6, 10, ठीक, ये 7वां आपको नेगलेक्ट कर देना है, 3, 2, 5 हो जाएगा, 5 ओम आ जाएगा और 10 ओम आ जा रहा है। ठीक, 1/5, 1/10, यही इसका आंसर है। 101 क्या है, द आइडेंटिकल वायर ऑफ ईच, देखिए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट की बुक में चित्रा के गाइड में सॉल्व किया गया है। द आइडेंटिकल वायर ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम आर ज्वाइंड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, 0.1 ओम हो जाएगा। 102 क्या है, 3 चार्ज इतना इतना है किसी फील्ड पर रखे गए हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका 102 का बी सही है, द फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो। 103
है डायमैग्नेटिज इज़ द यूनिवर्सल फिनोमिना बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बी ऑप्शन से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 104 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द ऑप्शन ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स, इसमें डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो होता है, ऑप्शन बी सही है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन डी जो है फैराड लॉ है, कर्ल ऑफ इज़ इक्वल टू माइनस डेबा बी अपॉन डेबा टी। 105 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ होगा, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैग्नेटिक प्लस कैपेसिटेंस, जो टेस्ला होता है यूनिट किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ये क्या होता है, एमकेएससी यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, गास होता है। 106 किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज, फर्स्ट लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोथ ऑफ द अबव। तो जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, केवीएल होता है एक लॉ और एक लॉ केसीएल होता है, तो फर्स्ट लॉ को बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ होता है। तो जो 106 है इसका ऑप्शन बी सही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर जितने करंट आते हैं उस पॉइंट से जंक्शन से और जितने जाते हैं वो आपस में उनका जो सम होगा जीरो के बराबर होगा, ठीक। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाता है। 107 है, मैक्सवेल इक्वेशन लिखा गया है, ये स्टेटमेंट ऑफ क्या, मैक्सवेल इक्वेशन किसके स्टेटमेंट से आया, तो 107 का गास लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से ये होता है। आप कहाँ देखेंगे इसको, आप इसको ग्रिफिथ की बुक में देख सकते हैं या तो फिर के तिवारी की बुक से देख सकते हैं। ग्रिफिथ की बुक अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमको, हम जो पहले वीडियो में बताए होंगे कि 9918813949 पर आप हमको कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको ग्रिफिथ की बुक की पीडीएफ भेज देंगे। 108 द फेज डिफरेंस बिटवीन, ग्रिफिथ की बुक का सिर्फ फार्मूला देख कर चले जाइए आपका काम हो जाएगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट इन ए प्योर रेजिस्टेंस, तो प्योर रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है, वहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। 109 द परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, परमेबिलिटी डायमैग्नेटिक सबस्टेंस का क्या होता है, तो लेस देन वन होता है। 110 ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ एन टर्न एंड करंट आई एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड क्या हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी से म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 12th में भी पूछा गया है और के तिवारी में भी दिया गया है। 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है तो इसको हम स्किप करते हैं। 112वां क्वेश्चन पर हम लोग सीधा चलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए करंट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम किससे होता है, बायो सेवर्ट लॉ से। 113 क्वेश्चन, देखिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जितनी बुक आपको चाहिए हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बस आपको फार्मूला देख के जाना है। द एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी पॉइंटिंग वेक्टर ट्रांसपोर्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप कहीं से भी देख सकते हैं, आप वही ग्रिफिथ से ही देख लीजिए। 114 क्वेश्चन क्या रहा है, द मैक्सिमम करंट आई विल बी पास थ्रू ए फ्यूज विदाउट मेल्टिंग वायर, इट्स रेडियस ऑफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन सी है, आई इज प्रोफेशनल टू आर स्क्वायर होता है। करंट जो होता है एरिया का प्रोफेशनल होता है, ठीक है, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, इसलिए ये आर स्क्वायर के प्रोफेशनल हो जाएगा। 115 द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर टूवर्ड्स इट्स सेंटर, तो इसमें ऑप्शन बी सेंटर की तरफ जाने पर डिक्रीज करेगा। 116 सुपर कंडक्टर आर डायमैग्नेटिक, सुपर कंडक्टर हमेशा याद रखिए डायमैग्नेटिक होते हैं, मैसनर इफेक्ट याद है, अगर मैसनर इफेक्ट याद है तो डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स होगा उसको एक्सपेल आउट करते हैं। 117 द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड अपॉन, जो इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो 117 का ऑप्शन बी सही है। रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन ये सब का कोई यूज़ नहीं इसमें। 118 द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ ए रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर इसको याद करके चले जाइए, ये कहाँ से करेंगे, थ्रीजा एंड थ्रीजा की बुक से करेंगे, एस चांद पब्लिकेशन की थ्रीजा एंड थ्रीजा है या थ्रीजा बी एल थ्रीजा की बुक से, तो 118 का ऑप्शन सी सही होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिए। देखिए पढ़ाना एक अलग बात होता है और खुद एग्ज़ाम देना एक अलग बात होता है, खुद आप एग्ज़ाम देने निकले हैं, यहाँ आप समझने का कोशिश मत कीजिए बल्कि रट के चल जाइए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। 119 समझ के तब जाइए जब इंटरव्यू रहेगा,
119 जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज द वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो 19 का ऑप्शन डी सही है। द बुलियन अलजेब्रा ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसमें ऑप्शन बी सही है, डायरेक्ट है। कहाँ से आप पढ़ेंगे? वही बीएल थिरेजा की बुक से पढ़ लीजिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। 121 क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहा है। अल्फा एंड बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज रिलेटेड विद द, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बीएल थिरेजा से। द यूनिवर्सल गेट एमंग फॉलोइंग कौन होगा? नैंड गेट होगा, बीएल थिरेजा से डायरेक्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम पावर गेन एंड मॉडरेट आउटपुट इन इनपुट इम्पिडेंस विच इज द फॉलोइंग रेजिस्टर एम्पलीफायर यूज, बीएल थिरेजा की बुक से है, कॉमन एमिटर। 124 इन द सेमी कंडक्टर डायोड पी साइड अर्थ इन द एन साइड, मतलब उसको अर्थ से जोड़ दिया जाए, एन साइड अप्लाइड माइनस 2 वोल्ट, डायोड विल बी कंडक्टेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 124 का है, इस ये कंडक्ट करेगा। देखिए हमने यहाँ पर फिगर ऊपर बनाया हुआ है, जहाँ पर कि पी टाइप को हमने जीरो से जोड़ दिया है, यानी जीरो वोल्टेज, अर्थिंग का मतलब कि जीरो वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। 125 द करंट गेन, ये आपका सीधा फार्मूला लगाएंगे सीबी कॉन्फ़िगरेशन में, तो 125 का ऑप्शन डी आएगा। हमने भी इसको देखिए सॉल्व किया हुआ है, बगल में देखिए बीटा इसको टू आई सी अपन आई बी, आई सी इसको टू बीटा आई सी, ये सब हमने लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आया था डी। 126 क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए, तो इसमें 10 अपॉन डिवाइडेड बाई 5 आएगा, 126 का ऑप्शन बी सही है। 127 क्वेश्चन फॉर एफईटी द करंट रिलेशन, देखिए ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर इम्फोसाइज करेंगे, इसको रट लीजिए, सीधा ऑप्शन ए सही है, म्यू इज़ इक्वल टू आर डी डिवाइड बाई जी एम। 128 डी द डिप्लीशन लेयर पी एन जंक्शन डायोड कंटेन, इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर नहीं होते हैं, सिर्फ ये आयन को कंटेन करता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। भाई हमने इसमें टाप भी किया है। 129 द डिग्री ऑफ डाइपोल इज इंक्रीज द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो इसमें क्या हो चुका है, बी डिक्रीज करता है। टू यूज ए ट्रांजिस्टर एस एम्पलीफायर, तो 130 का जो ऑप्शन सी सही है। द इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस हमेशा कर दिया जाता है, और बेस कलेक्टर जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस कर दिया जाता है, तभी वो एक्ट करता है एम्पलीफायर की तरह, या कंडक्टिंग केस में होता है, और एम्पलीफायर में कंडक्टिंग केस देखा जाता है, इसलिए आपको इसी फॉर्म में रखना है। 131वां क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है। 132 क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन वोलेटाइल द कंजर्वेशन ऑफ ला, तो आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ ला प्रूव करने के लिए क्या है, इसका पैरिटी है, स्पिन है, और दूसरा इसका बेरियन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर आप देख लेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 132 का ऑप्शन डी सही है, हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। 133 क्वेश्चन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से है, इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों क्वेश्चन जो 132 था 133, ये दोनों आपका बाइजर से है, बाइजर की बुक आपको चाहिए, तो आप 9918813949 पर हमसे संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमको व्हाट्सएप पहले कीजिए, अपना नाम व्हाट्सएप कीजिए, और किस सिटी में आप रहते हैं, किस जिले में कि आप निवासी हैं, वो आप लिखिए। 133 ए द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो ये इसमें ऑप्शन ए सही है, 150 डिवाइडेड बाई बोल्ट। द डीके कॉन्स्टेंट न्यूक्लियर फिजिक्स का है, घोषाल की बुक पढ़ लीजिए, हाफ लाइफ टी रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर रिलेटेड बाई, तो इसमें ऑप्शन 134 का ए सही है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है तीसरे चौसठ चैप्टर से। 135 द रेशियो ऑफ फेज वेलासिटी ऑफ ग्रुप वेलासिटी इज नॉन डिस्पर्सिव, अगर मीडियम नॉन डिस्पर्सिव है, यानी वहाँ पर वेलासिटी डिस्पर्स नहीं कर रहा है, आपस में बट नहीं रहा है, तो जो फेज वेलासिटी और ग्रुप वेलासिटी होगा सेम होगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा 135 का। 136 का हम सीधा से आंसर बता दे रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं, स्क्रीन पर आप पढ़िए, ऑप्शन बी सही है। 137 है द सरफेस एनर्जी ईएस ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक नंबर ए एंड जेड प्रोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ए पर ये कूलम लॉ ऑफ फोर्स है, ठीक है, सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी है, तो सरफेस और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, 2-3 पावर का होता है, तो जहाँ पर 2-3 पावर आया तो समझ लीजिए वही ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन डी पर 2-3 दोनों आ रहा है,
थ्री क्या होगा वॉल्यूम के लिए हो जाएगा, टू क्या होगा सरफेस के लिए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सरफेस जो होता है लेंथ का दुगुना होता है, वॉल्यूम क्या होता है तिगुना होता है। 38 इफ टू इलेक्ट्रॉन ऑफ OS एंड OP स्टेट, ठीक है ये दिया है LS कपलिंग के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है, राजकुमार की बुक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में। तो इसमें जो होगा 138 का ऑप्शन सी, हालांकि आधिकारिक जो है उसमें काट दिया गया था, इसमें ऑप्शन ए सही है। आधिकारिक जो रिलीज़ किया गया था आंसर शीट उसमें काट दिया गया था 139, शायद हम आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर देंगे। 139 द स्पिन एंगुलर मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटा हाफ एच कट डिवाइडेड बाई टू हो जाता है। 140 है न्यूमेरिकल है, मिनिमम वेवलेंथ एक्सरेज का है, फार्मूला में रखिए वोल्टेज का वैल्यू जो ऊपर फार्मूला दिया गया था उसमें भी आप रखेंगे तो भी आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 140 का आधिकारिक वाले में क्रॉस कर दिया गया था लेकिन इसमें ऑप्शन ए आ रहा है। 141 बोहर थ्योरी, बोर्स थ्योरी क्या कहता है, तो इसको बोर्स भी पढ़ सकते हैं बोहर भी पढ़ सकते हैं। इन अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, तो बेस्ड ऑन द क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी, बोहर थ्योरी क्या था, ये ब्रिज बिटवीन द क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी की ब्रिज, एक ब्रिज का काम करता था। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। 132 द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। 143 तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आपको भी लग रहा हो कि हाँ यार हम भी लेक्चरर बन सकते हैं। 143 द वैल्यू ऑफ LSNJ इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 143 देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, सॉलिड करेंट स्टेट में न्यूक्लियर आर अनस्टेबल स्पॉन्टेनियस फ्यूशन आर, तो इसमें ऑप्शन 147 का जो है डी सही है। जेड इसका डिवाइडेड वे सीधा घोषाल की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, या तो आप बाइजर की बुक से देखेंगे तो वहाँ से भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये चाहे फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स सी इसमें है, न्यूक्लियर फोर्स आर पार्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पार्टली ग्रेविटेशनल इन नेचर, तो 148 का ऑप्शन सी सही होता है। स्टेबल न्यूक्लियर के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें 39 का ए ऑप्शन सही होगा। 150 क्वेश्चन हम आपको पढ़ दे रहे हैं क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इनक्लोज इन द बॉक्स ऑफ लेंथ l एनर्जी, तो सीधा देखिए सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर टू एम एल स्क्वायर बाइजर जेटली की बुक में होगा, ये बाइजर की बुक में भी दिया गया है। अब अगर h क्रॉस की जगह या एच कट की जगह क्या रहता है, एच सिर्फ लिखा होता तो नीचे क्या फैक्टर आता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन 150 का इसमें बी सही है, ऑप्शन 150 का इसमें बी सही है। अब इसके बाद अगर आपका इसका आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर पाना है या आप इसका हिंदी में पाना चाह सकते हैं तो 9918813949 पर हमसे संपर्क कीजिए, हम इसका क्वेश्चन सेट आपको भेज देंगे। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। धन्यवाद।